अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ शेफ दानिश और आप देख रहे हैं शेफ दानिश फूड रेसिपी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आड़ू का जूस, जिसे इंग्लिश में पीक जूस कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आड़ू की खासियत ये है कि ये विटामिन सी से भरा हुआ है। ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आड़ू का जूस। और व्यूअर्स, ये आपके चेहरे की रंगत को, आपकी अपीयरेंस को बढ़ाता है आड़ू, और आपके दिल की घबराहट, और ये बहुत सी बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आड़ू खास है जो कुदरत ने विटामिन सी से भर रखा है। इसकी खासियत ये है, ये आपकी अपीयरेंस में बहुत इजाफा करता है। आइए तो हम आपको बनाना सिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो कुछ लोग आड़ू का छिलका उतार के बनाते हैं और कुछ लोग छिलके के साथ बनाते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जूस इसका पसंद करेंगे। छिलका वैसे कुदरती ये छिलका है, ये छिलके में भी विटामिन्स होते हैं, तो हम आपको छिलके के साथ बनाना सिखाते हैं। तो पहले हम इसके क्यूब्स बनाएंगे, फिर हम इसकी पल्प बनाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आप जब भी आड़ू का जूस बनाएं या खाएं तो इसे अच्छी तरह से धो लिया करें। इसके ऊपर एक बहुत ही डस्ट वाली जो होती है, लेयर होती है, केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं जो इसे पकाने के लिए लगाते हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरह से धो लें ताकि जो केमिकल्स हैं इसके वो उतर जाएं। जी व्यूअर्स, तो पीच जूस बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये दो तीन मेन चीज़ें दिखाते हैं। ये हाफ कप शुगर है, ये काला नमक है, ये पीच है। तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये एक ग्लास पानी है, पानी इसमें हम एक से डेढ़ ग्लास और ऐड करेंगे पानी, लेकिन पहले इसकी पल्प बना ले। आधा चम्मच काला नमक है। ये व्यूअर्स, तो इसे दो से तीन मिनट ग्राइंड करते हैं, ज्यादा नहीं करना। तो अभी इसकी लुक चेक करते हैं। इसकी एक और रेसिपी है जो मैं अभी आपको ये वाला तरीका बता के तो फिर वो दूसरा तरीका बताता हूँ जो इसके लिए सीक्रेट है। जी व्यूअर्स, तो अभी हम इसमें आइस डालेंगे और पानी एक ग्लास और ऐड करेंगे। इसमें आइस क्यूब डालेंगे। कितना जबरदस्त थिक बना। तो इसमें हम सोडा डालेंगे। आप कोई भी सोडा, स्प्राइट,
या सेवन अप कोई भी सोडा डाल सकते हैं। तो ये इसका सीक्रेट है इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये वो शेक है जिसमें हमने स्प्राइट डाली है। आप दोनों को ट्राई करें, टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको पसंद करते हैं, स्प्राइट वाला या रीजनल वाला। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।